भाजपा युवा मोर्चा गया जिला कार्य समिति की ऑनलाइन बैठक जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसे अध्यक्ष अभिषेक कुमार तथा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह गया जिला प्रभारी शेखर एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जहानाबाद प्रभारी मुन्ना कुमार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में गया जिला प्रभारी श्रीमान शेखर ने 7 विषयों पर विस्तृत जानकारी दी तथा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय, जिसमें आगामी 12 जुलाई को रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्देश के बारे में अवगत कराया गया। वहीं अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों को पूरा करने हेतु संकल्पित हैं तथा कोरोना वैश्विक महामारी के संकट काल में नारायण सेवा के कार्यों पर पूरी प्रतिबंधता से लगे हुए हैं। प्रबंधकों को यथाशीघ्र पूरा करने और बूथ स्तर पर 5 युवाओं को पार्टी कार्य में जोड़ने कार्य शुरू की गई है। इस कड़ी में 6 विधानसभाओं में फेस कवर तथा हैंड सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का ही काम किया गया है। बाकी 4 विधानसभाओं में भी जल पहुंचाया जाएगा। इस ऑनलाइन बैठक में भाजपा युवा मोर्चा गया जिला के अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्रभारी श्रीमान शेखर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुन्ना कुमार और गया जिला के पदाधिकारी मोनू कुमार सिंह, ऋषि भरद्वाज, राकेश रोशन, रीता कुमारी, विनीत चौरसिया, मोहित आनंद, करुणा कुमारी, अमर शेखर, चंदन कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, राहुल राज, सुधीर कुमार सिंह तथा सभी मंडलों के अध्यक्ष तथा पदाधिकारी मौजूद थे। मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक, वर्चुअल बैठक, कोरोना महामारी के चलते हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जिसकी मुख्य सेंटर या जगह हमारी ऑफिस पे बैठी हुई है। हम लोग यहाँ पे जिले के जितने भी संगठन हैं, संगठन युवा मोर्चा के टोटल संगठन को मजबूती तक बूथ स्तर तक पहुँचाने, एक बूथ पे 10 युवाओं को जोड़ने तथा आगामी विधानसभा चुनावों में हो रही वर्चुअल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही वर्चुअल रैली को सफल बनाने तथा उसके अधिक से अधिक लोगों को जूम ऐप के माध्यम से जोड़ने और उस टोटल कार्यक्रम को सफल बनाकर हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम के लिए बैठक रखी हुई है। हमारे प्रदेश से प्रवक्ता और हमारे जिला के प्रभारी महोदय भी अभी हम लोग को बता रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे त्रिस्तरीय बैठक, जो भी हमारी जो पंचायत लेवल की कमेटियाँ हैं और जो भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ताकि उन्हें जोड़ा जा सके। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के संचालक और महंत और जो भी हमारे संगठन के प्रति जिनकी रुझान ज़्यादा होती है, उन लोगों के पास हम लोग, हमारी युवा मोर्चा की टीम और हमारी युवा कार्यकर्ताएँ जाती है और उनसे जाकर जुड़ती है। इसलिए इस संगठन का, इस बैठक का एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग मान रहे हैं और इस बैठक में हमारी युवा मोर्चा के टोटल पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और हमारे मंडल के अध्यक्ष लोगों को जोड़ा गया है। ये मंडल अध्यक्ष लोग आगामी कुछ समय बाद हम लोग, वो लोग अपनी मंडल की बैठक, कार्य समिति की बैठक रखेंगे, जहां से जिला के प्रभारी लोग उन लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और वो अपनी कमेटी के साथ, बूथ स्तर के बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर ये बैठक को करेंगे। जो 14 तारीख तक इसका समय रखा गया है, उस बैठक के बाद हमारे सारे युवा साथी सभी को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से एक विजयी बनाकर एनडीए के सरकार बनाने में हम लोगों को सफलता हासिल करने के लिए हम लोग सभी जुट जाएंगे।